हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका भी योर बेस्ट डॉक्टर चैनल फॉर योर हेल्थ में। आज हम समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा आयोडीन की रिक्वायरमेंट आपको डेली कितनी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी कि स्त्रियों में एंड पुरुषों में इस आयोडीन की मात्रा कितनी आपको डेली लेनी होती है, जिससे कि आप थायरॉयड से, हाइपर थायरॉयड या हाइपोथायरॉयड से बच सकें, इन थायरॉयड की बीमारियों से बच सके, जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर ग्रेव डिसीज़ है, या अन्य डिसीज़ है जो थायरॉयड की बीमारियों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट आपको डेली की ज़रूरत पड़ती है, जो बॉडी को नॉर्मली संचार करने के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, यानी कि कोई दिक्कत आपको, परेशानी आपको कोई पैदा नहीं हो। देखिए, 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से आपको नॉर्मली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इतनी मात्रा आपको डेली लेनी चाहिए आयोडीन की। अगर आयोडीन की मात्रा नहीं लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी मोस्टली देखने को मिलती है। कई कई पेशेंट्स में अलग डिसीजेज़ भी आयोडीन की कमी की वजह से पैदा हो सकती हैं। अगर अब बात करें कि आयोडीन की मात्रा कब और कैसे लेनी चाहिए, तो नॉर्मली कभी भी इसको ले सकते हैं, शाम को, सुबह, दोपहर, खाने के साथ में, यानी कि आप ये समझ लीजिए जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उसमें आपकी 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से उसमें डाइट में वो मिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसमें वो होनी चाहिए आयोडीन की मात्रा। अगर हम बात करें कि ये कैसे मिलेगी, तो देखिए, जो नमक, जो साल्ट जो आ रहे हैं मार्केट में, कई साल्ट ऐसे आते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी आयोडीन की मात्रा आपको देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर किसी नमक या साल्ट का कंपनी का यहाँ नाम नहीं लूँगा, आप मार्केट में जाइए, सर्च कीजिए एंड अच्छे से अच्छा नमक लीजिए जिसमें जो आयोडीन की मात्रा होती है वो दी जाती है। अगर आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो थायराइड की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।